अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ टोटल जो है वो कंप्यूटर कोर्स के 12 लेसन शेयर कर दिए हैं, आज की इस वीडियो में आपके साथ 13वां लेसन शेयर करूंगा। और हमने जो है वो इंसर्ट टेप तक सीखा था, यहाँ पे मैंने आपको जो है वो आइडेंटिटी कार्ड के दो तरीकेकार बताए थे। अब हम आगे सीखेंगे, हमने पिक्चर तक सीख लिया था, अभी हम क्लिप आर्ट सीखेंगे। क्लिप आर्ट में डिफरेंट यहाँ पे शेप्स होते हैं, आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट साइड पे ये देखें एक यहाँ पे पट्टी आ जाएगी, और यहाँ पे आप जो है वो कुछ भी टाइप करेंगे जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे शेप्स क्लिप आर्ट्स वो आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार, कार लिख के यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा तो जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो शेप्स आ जाएंगे, ठीक है, वो क्लिप आर्ट आ जाएंगे। ये कार्टून टाइप की पिक्चर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लावर, गो पे क्लिक करूंगा वो आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, अभी यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ के गो पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी यहाँ पे तस्वीरें अवेलेबल होंगी, जो भी क्लिप आर्ट अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें आगे, और यहाँ पे आपको जो भी क्लिप आर्ट यहाँ पे लाना है वहाँ पे आप जस्ट जो है वो एक मरतबा क्लिक करेंगे। ये देखें, एक मरतबा मैंने क्लिक किया, बल्कि दो मरतबा इस पर क्लिक हो गया, यहाँ पे देखें आ गया, एक मतलब हमने क्लिक किया ये यहाँ पे शो हो गई। और ये पिक्चर यहाँ पे क्लिप आर्ट जो होता है वो लॉक होता है, इसको अनलॉक करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि टेक्स्ट थेरेपी में आकर और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था, प्रीवियस जो भी हमारे लेसन है उसमें मैंने आप लोगों को ये बता दिया था, किसी भी तस्वीर को अनलॉक करने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट थेरेपी में आकर जो है वो किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे, लेकिन हम इन फ्रंट ऑफ करें तो वो बेहतर है, ठीक है। तो ये तस्वीर अनलॉक हो गई, अनलॉक का मतलब है कि इसको आप फिर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, तो इस क्लिप आर्ट का मतलब ये होता है। तो इसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, जो भी आपको चाहिए, आप जो आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं या कुछ भी, या आगे चल के मैं आप लोगों को जो है वो मोनोग्राम भी बनाना सिखाऊंगा, जिसको हम लोगो भी कहते हैं, तो वो भी बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे शेप्स है, ये मैंने आपको बता दिए थे, सिंपली है ये शेप्स, कोई भी शेप आपको यहाँ पे चाहिए उस शेप से आप कुछ भी चीज़ कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये आप ऑलरेडी जो है वो एमएस पेंट में भी सीख कर आए हैं, वहाँ पे भी शेप्स होते हैं, तो यहाँ पे भी ये शेप अवेलेबल है। उसके बाद स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट में देखें आप एक कोई भी चीज़, जैसे आप देखें कि किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं किसी भी चीज़, तो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं ये मेडिकल स्टोर पे, या फिर जो है वो किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक पे, तो वहाँ पे ये चार्ट ऐसे टाइप के लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको कोई सैंपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर के हिसाब से कोई चीज़ यहाँ पे जो है वो करते हैं, ये देखें ये सारी इनकी अलग अलग डिज़ाइन है, आल है यहाँ पे, ये लिस्ट से, और ये यहाँ पे आपका प्रोसेस है, साइकिल है, ये देखें ये हायरार्की है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखें, ये देखें आप लोग, आप कोई सा भी एक ले लेंगे यहाँ पे। और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जो है वो ये वाली चीज़ लेते हैं या फिर ये वाली चीज़ लेते हैं, इसको हम ओके करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी डिज़ाइन। तो हम यहाँ पे इसको कंप्यूटर के हवाले से बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीच में हम लिखते हैं CPU, ठीक है, CPU हमारा मेन होता है, और उसके उस साथ जो भी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि देखें उसके साथ मॉनिटर कनेक्टेड होता है, ठीक है, उसके साथ कीबोर्ड आपका जो है वो कनेक्टेड होता है, और उसके साथ जो है वो माउस कनेक्टेड होता है, और उसके साथ आपके जो है वो स्पीकर भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, और यहाँ पे आप इसको डिज़ाइन करना चाहें तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे ये डिज़ाइंस हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे यानी कि ये जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ पे ये कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप कलर दे देंगे इसको, ये देखें ये डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो कलरफुल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देखें चमकदार बनाना चाहें जिस हिसाब से, तो वो कर सकते हैं, ये देखें जो भी डिज़ाइन आप देना चाहें वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ यही तरीक़ेकार है, और यहाँ से आप इसका डिज़ाइन इधर से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वाला डिज़ाइन बन जाएगा, ये देखें, जस्ट आप माउस ओवर करेंगे तो वो वाली डिज़ाइन बन जाएगी, ये देखें, ये देखें यहाँ पे क्लियर, ये क्लियर शो हो रहा है क्योंकि ये स्टाइल सेम था उस वजह से, ये देखें हो गया। तो इसका काम सिर्फ यही है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम इसको हम ख़त्म करते हैं, बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास ये चार्ट है, चार्ट एक्सेल से कनेक्टेड है, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो डिफरेंट शेप्स आ जाएंगे, जैसे स्मार्ट आर्ट में हमने सीखा, और ये सारे इसके जो है वो टाइप हैं, कॉलम है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, ये सारे इसके डिज़ाइन से, ये देखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कॉलम चार्ट लेते हैं, कोई भी डिज़ाइन कॉलम चार्ट का ले लें, यहाँ पर हम ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं, और ओके पे क्लिक करेंगे, जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल का जो है वो पेज ओपन होकर आ जाएगा साइड में, ये देखें। अभी यहाँ पे देखें ये कैटेगरीज हैं, और यहाँ पे भी कैटेगरीज लिखी गई हैं, यहाँ पे ये देखें, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, ये देखें ये कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, और ऊपर जो है वो सीरीज़ 1, 2, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें नीचे ये चीज़ें हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। अभी मैं आपको ये जूम आउट कर लेता हूँ, अभी बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, कैटेगरी में हम जो है वो
यहाँ पे सीरीज और कैटेगरीज, ठीक है, यहाँ पे सीरीज़ों की कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जो है वो सारी चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं, सिर्फ एक कैटेगरी हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। अभी देखें कैटेगरीज में तीन कलर शो हो रहे हैं, पहले सीरीज़ वन है और सीरीज़ टू, सीरीज़ थ्री। तो यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा जो नंबर लिखा हुआ है 4.3 है सीरीज़ वन का, इसको अगर मैं वन कर दूँ तो ये जो ब्लू कलर है ये कम हो जाएगा। यहाँ पे वन करके मैं इंटर कर दूंगा तो ब्लू कलर कम हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये ब्लू कलर कम हो गया। और ये वाला आपके पास 2.4 है, इसको अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, इंटर करूँ, तो ये बीच वाली थोड़ी कम हो जाएगी। और ये 2 है ओनली, तो इसको अगर हम 5 कर दें तो ऊपर वाला जो ग्रे कलर है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, अगर आप इस सब को ख़त्म कर दें यहाँ पे, क्लियर कर दें, तो ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगी। तो यकीनन ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका सिर्फ काम यही है और कोई भी काम नहीं है इसका। और इसको डिटेल में हम जो है वो एक्सेल में समझेंगे कि बेसिकली इसका काम होता क्या है। वैसे यहाँ पे ये हमने जो है वो इसका ओवरव्यू हमने समझ लिया। उसके बाद हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का काम है कि आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, उसमें कोई भी फाइल आप लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर, ठीक है, और इस वर्ड के साथ, इसकी मैं थोड़ी साइज भी बढ़ा लेता हूँ, इस वर्ड के साथ हम कोई भी जो है वो फाइल लिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी फाइल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, और यहाँ पे देखते हैं कोई चीज़ अगर पर्सनल नहीं है तो फिर वो अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी कार्ड जो है वो प्रोफेशनल आईडी कार्ड अटैच कर देते हैं। प्रोफेशनल आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, और यहाँ पे ये जो इसके साथ प्रोफेशनल आईडी कार्ड जो है वो लिंक हो गया, वो वाली फाइल लिंक हो गई। अब वो ओपन कैसे होगी, इसके ऊपर आप माउस रखेंगे तो आपको कुछ बताएगा, ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये बता रहा है क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि इसके ऊपर आप जो है वो कंट्रोल को पहले प्रेस करेंगे, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लिंक को फॉलो करेगा, यानी कि लिंक ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे ऊपर आकर कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें हैंड आ गया, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और येस करेंगे, तो इसके साथ हमने जो प्रोफेशनल आईडी कार्ड वाली फाइल अटैच की थी तो वो वाली हमारे पास ओपन होके आ जाएगी। ये देखें, ये हमने जो प्रोफेशनल आईडी कार्ड बनाना सीखा था तो वो फाइल हमने यहाँ पे लिंक की तो वो ऑटोमेटिक ओपन हो गई, ठीक है। तो यकीनन ये आपको भी समझ में, और अगर आप ये लिंक जो है वो इसको हाइपरलिंक वाली लिंक इसके ऊपर हटाना चाहते हैं तो इसके आगे यहाँ पे क्लिक करके जस्ट एक मरतबा बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये लिंक यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन है बुक मार्क। बुक मार्क के लिए आप लोग जो है वो यहाँ पे फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, बराबर इज इक्वल टू लिख के RAND लिखेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके 9 को प्रेस करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, शिफ्ट को प्रेस करके 0 को प्रेस करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओवर हो जाएगी। ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आप लिख के जैसे ही इंटर करेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो है वो पैराग्राफ लिखे हुए ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें वहाँ पे काम आता है जहाँ पे हमें कोई चीज़ एकदम से लिखनी होती है, तो इसको हम जस्टिफाई करके कॉपी पेस्ट करेंगे, बहुत सारे पेजेस बनाएंगे हम। और बहुत सारे पेजेस हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो ये ऊपर बुक मार्क वाला ऑप्शन जो है वो उसका फंक्शन हमें सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे ये वर्किंग में है, कितने पेजेस आ जाते हैं, उसके बाद हम जो है वो उस पर, अभी देखें 27 पेजेस हो गए, ठीक है। तो अभी हमें किसी एक पेज पे बुक मार्क, बुक मार्क का मतलब है कि यानी कि कोई भी निशान देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई बुक होती है ऐसे, तो हम जो है वो किसी पेज तक पढ़ लेते हैं तो उस पेज को हम जो है वो थोड़ा साइड से थोड़ा उसको जो है वो कवर कर लेते हैं, और या फिर कोई निशानी दे देते हैं, या फिर बीच में पहले क्या करते थे कि हम मोर के पंख वगैरह डाल देते थे या फिर कोई रिबिन वगैरह डालते थे। लेकिन कंप्यूटर में तो आप लोग जो है वो मोर के पंख या कुछ ऐसी चीज़ जो है वो रिबिन वगैरह नहीं डाल सकते, तो इसमें हम बुक मार्क यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए अभी हम कौन से पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर 16 है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें पेज नंबर आपका जो है वो 16 पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप जो है वो ऊपर इसको करके लाइन नंबर देखें कौन सी है। अभी लाइन नंबर यहाँ पे हम पेजेस पे आते हैं, लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमारा यहाँ पे जो वर्ड है वो बिल्डिंग, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, कोई भी यहाँ पे आप नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप कोई भी नाम ऐसा दे देंगे जिससे आपको याद रहे कि आपने इस ऑप्शन को, इस पेज को जो है वो इस नाम से बुक मार्क किया था, यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस फाइल को आप लोग जो है वो सेव कर देंगे, ठीक है, आन इंसर्ट टैब के नाम से हम सेव कर देते हैं। और इसको मैंने क्लोज कर लिया फाइल को सेव करके, और बंद कर लिया और न्यू कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन या एक हफ्ता गुजर गया है और उसके बाद आपने वो फाइल जो है वो ओपन की है, ये वाली फाइल जो हमने सेव की थी, इसको हम ओपन करेंगे। अभी आपको याद नहीं है कि आपने कौन सा पेज जो है कहाँ तक आपने छोड़ा था, तो आप बुक मार्क पे आएंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे आकर बुक मार्क पे आएंगे, उस नाम से वो जो है वो पेज मार्क किया हुआ होगा,
और उस नाम पे क्लिक करके आप जो है वो गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उस पेज पर लेकर जाएगा, उस वर्ड पर ले जाएगा, उस लाइन पर ले। ये देखें पेज नंबर 16 है नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, और वही वर्ड जो बिल्डिंग है वही लिखा हुआ है, और ये आपकी लाइन नंबर कौन सी थी वो वाली लाइन भी आपको शो कर देगा। 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन थी, ये वाली लाइन आपके पास जो है वो शो हो गई। ठीक है, यकीनन आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद जो है वो आपके पास, अभी हम इसको कंट्रोल जेड करके हेडर और फुटर समझते हैं। हेडर और फुटर का मतलब होता है कि पेज के ऊपर और पेज के नीचे कोई डिज़ाइन वगैरह देना। ठीक है, और आज हम जो है वो हेडर और फुटर और पेज नंबर तक सीखेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम जो है वो इस इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आपका टेस्ट भी होगा। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं कैंडिडेट, उनसे मैं टेस्ट वगैरह भी लेता हूँ। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है और बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है, तो आपको मेरा सामने नंबर शो हो रहा होगा और यहाँ पे मैसेज करके और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो हेडर, हेडर यानी कि पेज के ऊपर कोई भी चीज़ लिखना। यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे, ये वाले डिज़ाइन दे देते हैं, सारी डिज़ाइंस होती हैं। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं एजुकेशनल ग्लोब कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ी साइज़ बढ़ा देंगे, बोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे इसको अगर क्लोज कर देंगे, हमने देखें एक जगह पे ये चीज़ लिखी है, और आप नीचे पेज करेंगे तो ये हर पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हेडर का ये जो है वो क्वालिटी होती है हेडर की, यानी कि हर पेज पे ऑटोमेटिक आ जाता है। आप लोगों ने बुक्स वगैरह काफ़ी देखे होंगे, जहाँ पे देखें बुक का नाम लिखा होता है तो हर पेज पे वो आता है। ठीक है, और फुटर, फुटर यानी कि पेज के नीचे कुछ लिखना, हम पेज के नीचे जो है वो पेज के नंबर दे देते हैं। यहाँ पे हम फुटर में आकर और पेज का नंबर भी आना चाहिए और कोई टेक्स्ट भी दे देते हैं। ठीक है, पेज नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और टेक्स्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लिखते हैं क्रिएटेड बाय, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे तो एक पेज पे हमने लिखा तो ऑटोमेटिक हर पेज पे आ जाएगा फुटर में। ठीक है, तो ये होती है हेडर और फुटर का काम। तो ये आप लोगों ने सीख लिया। अभी हेडर फुटर आप लोगों ने दे तो दिया, लेकिन अगर इसको हम मिटाना चाहें, ख़त्म करना चाहें, तो कैसे करेंगे? तो ख़त्म सिर्फ आपको एक जगह से करना होगा सिंपली। वो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग डबल क्लिक करेंगे उस जगह पे, अगर आपको हेडर ख़त्म करना है तो हेडर के ऊपर आप लोग जो है वो डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। फिर आप इसको कंट्रोल ए करके डिलीट को प्रेस करेंगे, डिलीट का बटन होता है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करके क्लोज हेडर फुटर कर देंगे। तो देखें यहाँ पे आपका हेडर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम नीचे करते हैं, ये देखें हेडर ख़त्म हो गया, लेकिन फुटर अभी तक है। फुटर को ख़त्म करने के लिए आप फुटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और कंट्रोल ए करके डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे, तो फुटर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। एक पेज से ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे पेजेस से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हेडर और फुटर हो गया ख़त्म, और आप लोगों ने समझ लिया कि हेडर फुटर बेसिकली होता क्या है। उसके बाद में यहाँ पे पेज नंबर है। ये पेज नंबर जो है ये बिल्कुल हेडर और फुटर की तरह काम करता है, लेकिन हेडर और फुटर में आप लोग जो है वो टेक्स्ट वगैरह भी दे सकते हैं। पेज नंबर पे ओनली नंबर्स आएंगे। ठीक है, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, आप पेज के टॉप पे भी दे सकते हैं, और बॉटम ऑफ पेज पे भी दे सकते हैं, और पेज मार्जिन्स पे भी दे सकते हैं, किसी भी जगह पर आप लोग दे सकते हैं। ये देखें पेज के ऊपर अगर हम कोई नंबर देना चाहें, नंबर के स्टाइल्स हैं यहाँ पे, ये देखें डिज़ाइंस हैं नंबर्स के, कौन सी डिज़ाइन में आप नंबर देना चाहते हैं, ये देखें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से। आप लोग अपने कंप्यूटर में भी ट्राई कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम बड़ा सा नंबर दे देते हैं यहाँ पे, ये पेज नंबर 7 था इसलिए यहाँ पे 7 आ गया। इसको हम क्लोज कर देंगे, ये देखें अभी इसको हम ऊपर करेंगे तो जो पेज नंबर होगा तो वो पेज नंबर शो करेगा। ये 6 नंबर पेज था जो ऊपर चला गया, ये देखें नीचे चला गया, आ गया नज़र आपको, ये 5 है। ऐसे ही आपके पेजेस आते जाएंगे जो यहाँ पे पेज नंबर दे देंगे। उसको ख़त्म करने का तरीका बिल्कुल आसान है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करके डिलीट प्रेस करेंगे, और क्लोज हेडर एंड फुटर कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। हम जो है हमने पेज नंबर तक सीखा, और यकीनन आपको ये सारे ऑप्शंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। और एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट करता चलूँ कि हम जो है वो इम्पॉर्टेंट हमारे जो टैब्स हैं वो होम है, इंसर्ट है और पेज लेआउट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बेसिकली इस एमएस वर्ड में यूज़ होती हैं ऑफिस वर्क के लिए। और वैसे मैं आपको आगे वाले टैब्स भी समझाऊंगा, उसमें जो हमारे काम के ऑप्शंस होंगे सिर्फ हम वही समझेंगे, लेकिन ये तीनों टैब्स है वो कंप्लीट समझेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, यकीनन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि इस कोर्स की कम्प्लीशन पे मैं आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी दूंगा, और वहाँ पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट वगैरह भी लेता हूँ, वर्बल टेस्ट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पूछूंगा कि भाई हाइपरलिंक का काम क्या होता है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की यहाँ पे आप लोग बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कंट्रोल के है। और बुकमार्क की शॉर्टकट कीज़ वैसे यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट F5 जो है बुकमार्क की शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, ये आपकी जो है वो हेडर क्या कहते हैं इसको, बुकमार्क की शॉर्टकट कीज़ है। इसकी शॉर्टकट कीज़ है बुकमार्क की। ठीक है,
और वैसे और किसी ऑप्शन की यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं है, सिर्फ हाइपरलिंक की थी और बुकमार्क की थी, और क्रॉस रेफर जो है वो रेफरेंस का इसका कोई खास वर्क नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा, आप लोगों ने यकीनन ये चीज़ें समझ ली होंगी, और ये थी आज की वीडियो। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में देखिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।